Welcome to St. Wilfrid's Law College online classes, and our today's topic is Dr. B.R. Ambedkar, module number 6, and we will discuss two major thoughts of Dr. B.R. Ambedkar. First of all, social thoughts, and secondly, we discuss political thoughts. Okay, so now shall we start? First of all, little bit introduction of the Dr. B.R. Ambedkar. एज वी ऑल नो कि हम उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं बिकॉज ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें एक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, एंड वो हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी रहे. तो आज उनके हम जो बेसिक उनके जो दो थॉट्स हैं जिसके लिए उन्होंने काम किया बहुत ज़्यादा, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा देख लेते हैं कि उनका जो बर्थ हुआ वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ. स्टडीज़ उनकी लंदन में उन्होंने कंप्लीट की, और उसके बाद उनकी कुछ राइटिंग्स थी जो जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे व्यूज़ को एक्सप्रेस किया. तो उनको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, जिनमें इम्पॉर्टेंट जो थी, वैसे तो और भी थी, बट हु वर शुद्रास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग ऑफ द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. द अनटचेबल्स, द थर्ड वन इज कास्ट इन द इंडिया इन इंडिया, एंड फोर्थ इज़ बुद्धा एंड हिज धर्मा. ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, इसके अलावा भी बहुत सारी राइटिंग्स उनकी रही, तो जो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं. आज जो हमारा बेसिक जो हमारे थॉट्स लेंगे हम, वो लेंगे सोशल और पॉलिटिकल थॉट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो नाउ वी स्टार्ट विद द सोशल थॉट्स. सोशल लाइफ में उन्होंने, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो बिलोंग्स टू अ यू नो लोअर कास्ट, तो उनके साथ खुद भी बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हुई जहाँ पे उन्हें वो फीलिंग हुआ कि जो इंडियन सोशल सिस्टम है दैट इज़ नॉट प्रॉपर, नॉट जस्टिफाई. तो उसमें उन्होंने क्या क्या चेंज लाना चाहा, और जो सोशल सिस्टम है वो किस तरह से चेंज किया जा सकता है, और उसमें चेंज करके और बहुत सारा रिफॉर्म लाया जा सकता है. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला अगर हम बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो उनका व्यू रहे सोशल लाइफ में, सोशल सिस्टम को इंडिया के चेंज करने में, वो सबसे पहला ये उन्होंने कहा कि अपोजिशन टू वर्णा सिस्टम, एंड ही वॉज टोटली अपोज टू द वर्णा सिस्टम इन इंडिया. इन एंशियंट टाइम वी कैन सी कि चार वर्ण जो थे हमारे इंडियन एंशियंट टाइम से ही चले आ रहे हैं, जिसमें कि ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. फोर वर्णास की बात होती है एंशियंट जो हमारे जितने भी राइटिंग्स है वहाँ पर. तो ये बिल्कुल अपोज किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कि इस तरह के वर्णा सिस्टम जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अनसाइंटिफिक है, और जो सोशल लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिव एटीट्यूड को लिए हुए हैं, तो दिस शुड नॉट बी देयर इन वर्णा सिस्टम. इन्होंने जो कम्प्लीटली अपोज किया वर्णा सिस्टम का, उन्होंने बोला कि वर्णा सिस्टम इज़ टोटली अनसाइंटिफिक, इम्प्रैक्टिकल, अनजस्ट एंड अनडिग्निफाइड. किसी भी वे में ये जो है जस्ट नहीं है, जस्टिफाई नहीं है, बिकॉज वर्णा सिस्टम से सोसाइटी के अंदर जो है बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटिव एटीट्यूड आ जाएगा जो कि ठीक नहीं है, और उससे जो प्रोग्रेस है सोसाइटी की दैट शुड नॉट बी पॉसिबल. तो उसमें उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि बिकॉज शुद्रास वर कंसिडर्ड एज इन्फीरियर, है ना, दैट इज़ नॉट फेयर. जो शुद्रा जो है लास्ट वाला जो वर्ण है वो इन्फीरियर एटीट्यूड से गुजर रहा था, और बहुत सारी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी में हो रहा था वो बहुत ज़्यादा अनफेयर है और जस्टिफाई नहीं है. तो ही वॉज टोटली अपोज टू द वर्णा सिस्टम, दैट इज यू नो जो वहाँ हमारी इंडियन सोसाइटी में स्टार्टिंग से ही था. ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला कि जो अपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ही वॉज टोटली अपोज टू द कास्ट सिस्टम ऑल्सो. वर्णा सिस्टम तो अनजस्टिफाई, अनसाइंटिफिक है ही, लेकिन जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट में जो हमारी जितनी भी कास्ट इंडिया में एंशियंट टाइम से बात कर रहे हैं हम कास्ट सिस्टम की, वो भी सही नहीं है, वो भी अन
जस्ट है, तो उसके लिए उन्होंने ये बोला कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं अगर इसको कास्ट सिस्टम को एज इट इज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन अवर इंडियन सिस्टम, तो क्या क्या ड्रॉबैक्स रहेंगे। बिकॉज सबसे पहला हायरार्की लेकर चलती है कास्ट सिस्टम, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है कुछ कास्ट को अपर कास्ट में कंसिडर किया जाता है और कुछ को लोअर कास्ट में, ठीक है। तो ये हायरार्की लेकर चलती है, जो कि कहीं ना कहीं इक्वलिटी वाली जो एटीट्यूड है वो नहीं आ पाता सोसाइटी में। तो यहाँ पर हायरार्की होती है जो कि नॉट फेयर। लैक ऑफ एफिशिएंसी, यहाँ पर एफिशिएंसी भी नहीं आती, क्योंकि जो हायर क्लास के जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा, उनके अंदर सुपीरिटिव कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वादर दे आर नॉट हैविंग द एबिलिटी टू डू डू एनीथिंग, बट दे हैव अ सुपीरिटिव कॉम्प्लेक्स इन देयर यू नो माइंड्स। तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि लैक ऑफ एफिशिएंसी आ जाती है, और वो लोग ऑटोमेटिकली वो ये कहते हैं कि हमें अगर वो लोग कुछ ना भी करें तो भी उनके लिए ठीक है। तो दैट इज़ लैक ऑफ एफिशिएंसी सिस्टम में आ जाएगी। तो ये कास्ट सिस्टम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके बाद जो थर्ड ड्रॉबैक बताया वो स्टैटिसिटी, मतलब एक स्टैटिसिटी आ जाती है, कुछ चेंज नहीं आता है कास्ट सिस्टम एज इट इज़। इफ़ यू आर यूजिंग द कास्ट सिस्टम इन अवर सोसाइटी, तो स्टैटिसिटी आ जाती है, स्टैटिक हो जाती है, इसमें चेंज कुछ नहीं आता है, जो कि नॉट गुड फॉर एनी सोसाइटी। चेंज शुड बी देयर इन द सोसाइटी। कंजर्वेटिज्म को बहुत ज़्यादा यू नो कंजर्वेटिज्म आ जाता है, बिकॉज कंजर्वेटिज्म की जो हायर क्लासेस है वो अपने आप को हायर सुपरेटिव कॉम्प्लेक्स में देखती हैं, और जो लोअर क्लासेस हैं वो उसी तरह से इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में रहती हैं। तो कंजर्वेटिज्म आ जाता है कि अगर इफ़ एनी यू नो लोअर कास्ट सिटीजन हैव ए लॉट ऑफ एबिलिटी, बट वहाँ पर भी उसको उसकी एबिलिटी को कंप्लीट यूज़ करने का जो एक चांस नहीं मिलता है, तो वो एक कंजर्वेटिज्म आ जाता है सोसाइटी में, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन फिफ्थ इज स्प्रेड ऑफ सोशल डिसहार्मनी। कास्ट सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं सुपरेटिव इन्फेरिटिव इन दिन कॉम्प्लेक्सेस से होकर गुजरता है, तो स्प्रेड ऑफ सोशल डिसहार्मनी जो है वाली फीलिंग आ जाती है, बिकॉज हार्मनी नहीं रहती है कास्ट के बीच में, और वो अपने आप को यू नो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के फॉर्म में जो है फील करते हैं, और उसी तरह से वो उनका एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल इवेंट्स एंड टुवर्ड्स द सोशल इवेंट्स। तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कास्ट सिस्टम का, कि यहाँ पे सोशल डिसहार्मनी आ जाती है। यहाँ पे हार्मनी, अगर इक्वल राइट्स मिल जाए, इक्वल एटीट्यूड मिल जाए, जो इन्फीरियर क्लासेस है उनको भी उतना ही वेटेज मिल जाए, तो इस तरह का जो सोशल डिसहार्मनी है वो नहीं आएगी। तो कास्ट सिस्टम से ये सब प्रॉब्लम्स सोसाइटी में आ सकती हैं। तो ये बहुत उन्होंने अपोज किया कास्ट सिस्टम का। नाउ थर्ड वन, सोशल थॉट्स में ही हम जो उन्होंने तीसरी बहुत बड़ी बात बोली वो दैट वाज रिवोल्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ही वॉज टोटली अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, बिकॉज ही ऑल्सो यू नो फील दैट कि दिस इज अनटचेबिलिटी इज़ अ बिग ऑब्स्टेकल टू गेट द प्रोग्रेस इन इंडियन सोसाइटी। तो इन्होंने बहुत मतलब इसका बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया इस वाली अनटचेबिलिटी पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है थी इंडियन सोसाइटी की। तो ही वॉज ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल, सॉरी, इट वॉज ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन प्रोग्रेस ऑफ हिंदू सोसाइटी, कि रियली में एक ऑब्स्टेकल है। अगर जहाँ अनटचेबिलिटी यूज होगी तो उसमें क्या होगा, जो जितनी भी डिप्रेस क्लास है या जो इन्फीरियर क्लास है सोसाइटी की, वो कभी भी जो है अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएगी, या किसी तरह का वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। तो अगर इन्फीरियर क्लास भी अगर डेवलपमेंट नहीं कर पाती है, तो ये किसी भी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है कि एक क्लास जो है वो बहुत हाई लेवल पे गई, डेवलपमेंट करी, और दूसरी क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा अभी भी डिप्रेस्ड है, और अभी भी वो जो है डेवलप नहीं हो पा रही है। तो कोई भी सोसाइटी के लिए जब इक्वल इक्वल रेशियो में जब डेवलपमेंट होता है तभी वो डेवलपमेंट कहलाता है, अदरवाइज वो डेवलपमेंट नहीं होता। तो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है प्रोग्रेस इन द हिंदू सोसाइटी, उन्होंने ये बोला। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली कि रूट्स ऑफ अनटचेबिलिटी ट्रेस्ड इन वर्ण सिस्टम।
ठीक है, वर्ण सिस्टम जो हमारा बहुत एंशियंट टाइम से जो चला आ रहा था उसमें ही इसकी रूट्स को उन्होंने बोला कि इसकी रूट्स वही है, वहीं से ही आ रहा है ये सारा जो अनटचेबिलिटी का है, क्योंकि शूद्रास के साथ जो जिस तरह से बिहेव किया जाता था, मनुस्मृति में भी हमने जब हमने मनु को भी पढ़ा था तो वहां पर भी शूद्रास के लिए बहुत इन्फीरियर वर्ड्स और इन्फीरियर एटीट्यूड को यूज किया था किंग के थ्रू, कि उनको हमेशा सर्विस ही देनी है तीनों जो अपर जो क्लासेस हैं उनकी। तो ये इन्होंने बोला कि रूट्स जो हैं अनटचेबिलिटी के वो वर्णा सिस्टम में ही हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने उसके लिए क्या बोला, ही वांटेड सम इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू स्टॉप इट, ठीक है। इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, अवेयरनेस तो ठीक है, अवेयरनेस तो क्रिएट करनी है, लेकिन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए उसको स्टॉप करने के लिए, अनटचेबिलिटी को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो ही वांटेड सम इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू स्टॉप इट बाय लेजिस्लेशन एंड बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रिविलेज टू देम, उनको लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसके थ्रू ही कहीं ना कहीं उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए अनटचेबल्स को, सो दैट कि उनके लिए इफेक्टिव मैनर में, ठीक है। देखिए जब कोई चीज़ लीगल हो जाती है ना तो वो सबको फॉलो करनी ही पड़ती है, अदरवाइज आप कितना भी चेंज कर लें सोसाइटी में, लेकिन जब वो कोई ना कोई लॉ बनाकर उसको फॉलो कराया जाता है तो बहुत इफेक्टिव मैनर में वो चीज़ फॉलो की जाती है। तो इन्होंने उस इफेक्टिव मैनर की बात बोली कि इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू द स्टॉप अनटचेबिलिटी को स्टॉप करने के लिए, इफेक्टिव मैनर क्या होगा, लॉ बना दीजिए और लॉ बना के जो है अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली बैन कर दें, ठीक है। और आज की डेट में हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 17 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो अबॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी करता है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी अगर पर्सन अनटचेबिलिटी का एटीट्यूड यूज़ करता है अगेंस्ट अदर पीपल तो वो लीगली सही नहीं माना जाएगा और उसे किसी तरह की पनिशमेंट भी दी जा सकती है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 17 के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं रिजर्विंग गवर्नमेंट पोस्ट, इनके लिए जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो पोस्ट है उनको रिजर्व किया जाए तो एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा अनटचेबल्स के लिए, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नाउ दे आर सिक्योर, तो वो कभी भी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स से नहीं आएंगे। तो रिजर्विंग गवर्नमेंट पोस्ट जैसा भी किया जा सकता है, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द थॉट्स, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द थॉट्स ऑफ द बी आर अम्बेडकर से आर इम्प्लीमेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कई ऐसे भी थे जो नहीं इम्प्लीमेंट किए गए। तो रिजर्विंग गवर्नमेंट पोस्ट, यहाँ पे गवर्नमेंट पोस्ट को भी रिजर्व किया जा सकता था इन इंडियन सिस्टम, ओके। नाउ फोर्थ वन जो उन्होंने अपना थॉट दिया, व्यू दिया सोशल लाइफ में, एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन, ठीक है। जो वुमेन की जो कंडीशन थी दैट टाइम नॉट सेटिस्फैक्ट्री, नॉट इक्वली, ही वॉज शी वॉज नॉट गेटिंग द इक्वल एटीट्यूड टूवर्ड रादर देन मैन। तो एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन जो था वो क्या, वुमेन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सोशल एंड एजुकेशनल मैटर्स। उन्होंने ये बोला कि अगर वुमेन जो इंडियन वुमेन है उसको इक्वल सोशल और सोशल स्टेटस नहीं मिलेगा, ठीक है, जो एज कम्पेयर टू मैन, तो कहीं ना कहीं हमारी हाफ ऑफ द जनरेशन, हमारी हाफ ऑफ द सोसाइटी की जो मेंबर हैं वो अगर वो सेम इक्वलिटी वाली लेन में नहीं आएंगे तो हमारी सोसाइटी इतना, इंडियन सोसाइटी डेवलप नहीं कर पाएगी, क्योंकि किसी भी सोसाइटी को फैमिली बनाती है और फैमिली जो होती है वो एक वुमेन से ही बनती है, ठीक है। तो वुमेन इज अ यू नो बैकबोन ऑफ एनी फैमिली एंड एनी नेशन और एनी यू नो सोसाइटी। तो यहाँ पर उन्होंने वुमेन के लिए जो है एजुकेशन एंड सोशल मैटर्स के बारे में उन्होंने बात की कि वहाँ पे सोशल उनका जो लेवल है वो सेम बताया जाए, उनका जो सोशल स्टेटस है, और एजुकेशनल मैटर्स में भी उनको कहीं ना कहीं सेम स्टेटस दिया जाए, सेम लेवल दिया जाए। तो यहाँ पे वुमेन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा फेवर में जो अपने व्यूज़ दिए। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो सोशल थॉट में जो उन्होंने आगे बोला वो अपलिफ्टमेंट और डिप्रेस क्लासेस, जो डिप्रेस क्लासेस थी सोसाइटी की उनका अपलिफ्टमेंट करें,
ठीक है, उनको ही बिलीव्ड दैट अनटिल द बैकवर्ड क्लास आर गिवन द सेम सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इज मीनिंगलेस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उस समय हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद का हमने बनाया, ठीक है, और उसके बाद हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे कि नाउ वी आर नॉट कॉलोनी ऑफ एनी अदर नेशन एंड वी आर नाउ इंडिपेंडेंट। तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट मीनिंगलेस है जब तक कि डिप्रेस्ड क्लासेस इन द यू नो डॉक्टर अम्बेडकर्स व्यू डिप्रेस्ड क्लासेस का अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। अपलिफ्टमेंट अगर नहीं करते हैं डिप्रेस क्लासेस का तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल जो हमें इंडिपेंडेंस भी मिल गई है तो वो मीनिंगलेस है, क्योंकि कितनी सारी सोसाइटी का जो बहुत सारे मेंबर्स हैं वो आज भी डिप्रेस क्लास के डिप्रेस एटीट्यूड ही उनके लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ये इंडिपेंडेंस जो है वो मीनिंगलेस है। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए बात करी। इसके बाद एक और चीज़ उन्होंने बोली कि जो प्रिस्ट शुड नॉट गो बाय हेरिडिट्री, कि हेरिडिट्री से प्रिस्ट जो होते हैं जो पुजारी हैं वो कभी हेरिडिट्री से नहीं आया। अगर मान लीजिए कि उनके अंदर किसी तरह का कोई इस तरह का एट्रीब्यूट ही नहीं है उनके अंदर कि वो जो है कुछ रिलीजियस वर्क कर सकें, लेकिन हेरिडिट्री से उनको आना है तो वो बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो प्रिस्ट को उन्होंने स्पेशली सोशल थॉट्स में ये भी बोला कि प्रिस्ट जो हैं वो कभी भी हेरिडिट्री से नहीं अपॉइंट करने चाहिए, बल्कि जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं उनका जो उनके अंदर जितनी एबिलिटी है उसी अकॉर्डिंग प्रिस्ट को अपॉइंट करना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इन सोशल थॉट्स, चेंज इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में चेंज बहुत बड़ा जो चेंज लाना है वो उन्होंने ये बोला कि कास्ट सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिव बेस पे है, बहुत ज़्यादा डिसहार्मनी पे बेस था, वो चेंज होना चाहिए और यहाँ पर इन्फीरियर और सुपीरियर वाली जो फीलिंग है कॉम्प्लेक्सेस हैं वो नहीं आने चाहिए। कास्ट सिस्टम कम्प्लीटली चेंज होना चाहिए, इंडिया में होना ही नहीं चाहिए। इवन उन्होंने तो कास्ट सिस्टम को ही अपोज किया। ठीक है, नेक्स्ट है जो इन्होंने सोशल वे में बात बोली, नीड टू ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट अवेकन द डिप्रेस क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले हमने बहुत सारी बातें की कि सोसाइटी के अदर जो क्लासेस हैं वो डिप्रेस क्लासेस को किस तरह से एटीट्यूड उनका रखें, उनको किस तरह से ट्रीट करें। ठीक है, लेकिन हमें जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उन्होंने ये बोला कि उन डिप्रेस्ड क्लासेस के अंदर जो है उनको एजुकेट करना और उनके अंदर अवेयरनेस लाना, क्योंकि समटाइम्स दे ऑल्सो हैव सम दिस यू नो दे हैव सम उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स के लिए यानी जिस तरह से मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस से नहीं रहते थे डिप्रेस क्लासेस दैट टाइम, तो वो ये कहते थे कि उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, उनको अवेयर करना ज़रूरी है सो दैट कि वो हाइजीन को समझें, खुद एक बहुत अच्छे से रहें। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगर वो एक बहुत क्लीनलीनेस से रहेंगे तो अपर क्लासेस के कुछ लोग भी उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनके लिए एक हार्मनी स्टेटस रख सकते हैं। ठीक है, तो इस जो उनको खुद को एजुकेट करना जो है डिप्रेस क्लासेस को बहुत ज़रूरी है, उनको अवेयरनेस फैलाना उनके अंदर कि यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उस तरह से कि कुछ एटीट्यूड उनमें लाया जा सकता है, तो एजुकेट हम उन्हें कर सकते हैं। तो एजुकेशन उनके जो डिप्रेस क्लासेस है उनके उनके अंदर एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए, उनको अवेयर किया जाए क्लीनलीनेस और बहुत सारे और अदर एटीट्यूड्स उनके अंदर डाले जा सकते हैं सो दैट कि वो खुद अपने आप में अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो देन वो सोसाइटी के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, एजुकेशन अगर उनको मिल जाती है तो। ठीक है, तो ये सोशल में इन्होंने बहुत ज़्यादा इस एजुकेशन और अवेयरनेस ऑफ द डिप्रेस क्लासेस पे बहुत एम्फेसाइज किया कि वो खुद भी, और इसका जो उन्होंने बेसिक बेस बताया वो वुमेन को बताया कि वुमेन एक कोई भी फैमिली की जो वुमेन है जो गर्ल्स होती हैं वो ये काम कर सकती हैं, तो एजुकेट और डिप्रेस अवेयरनेस फैलाई जाए डिप्रेस क्लासेस में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट पॉइंट बताया सोशल थॉट्स में वो ये था कि सेपरेट एंड सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लासेस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि सफिशिएंट एंड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में होना चाहिए। जो हमारी संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसके अंदर उनके लिए स्पेशल
जो है यू नो सीट्स उनके लिए होनी चाहिए, और अब उनका जो रिजर्वेशन है वो होना चाहिए, जिससे कि वो जो है आगे जा सके, उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, और उनको जो वो मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके लिए सीट्स ही नहीं थी पहले, वो लोग आ ही नहीं पाते थे, तो उस तरह से अगर सीट्स रिजर्व कर दी गई तो वो कहीं ना कहीं जो है वो उसको बेनिफिट लेकर वो उस हमारी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ पर आ पाएंगे। तो इन्होंने इसका बहुत बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया, और काफ़ी हद तक वो इसमें कर भी पाए वो चीज़। देन नेक्स्ट है रिजर्वेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती हैं उनके अंदर भी रिजर्वेशन जो है, डिप्रेस क्लासेस जो हैं, जो लोअर क्लासेज हैं, शेड्यूल क्लासेस होती हैं, उनको दिया जा सकता है, सो दैट कि अगर वो रिजर्वेशन दिया तो वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, एक इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट होंगे और सोशली भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये रिजर्वेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज शुड बी देयर अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, और उन्होंने काफ़ी हद तक वो पॉसिबल भी करवाया। देन है स्पेशल कंसेशन टू डिप्रेस क्लासेस इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने बात करी होना चाहिए, ठीक है, फिर बात करी उन्होंने कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बात करी कि उनके लिए स्पेशल कंसेशन होने चाहिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन वाला जो फील्ड है वहाँ पर भी उनके लिए सेपरेट उनके लिए जो है रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, तो एजुकेशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, इसका उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है जो कि सोशल थॉट्स में इंक्लूड किया उन्होंने, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को उन्होंने सपोर्ट किया, कि इंडस्ट्री शुड बी बिल्ड अप सो दैट कि सिटीजन्स कैन बिल्ड अप देयर सोशल लाइफ मोर इफेक्टिव। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज होंगी तो वहाँ पर वो काम कर सकते हैं और अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसको क्रिएट कर सकते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। तो ये कुछ सोशल वे में उन्होंने अपने थॉट्स दिए, जो सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट है, किस तरह से, बिकॉज एक्चुअली ही बिलीव इन डेमोक्रेसी, बट वॉट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑल टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब ये नहीं होता कि एक ही केवल जो है गवर्नमेंट चूज करना ही डेमोक्रेसी नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेसी का उन्होंने ब्रॉडर वे में बताया कि डेमोक्रेसी एक सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, जहाँ पे सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऑल द कास्ट, ऑल द रिलीजन्स, ऑल द एबल पर्सन आर इक्वल, ठीक है। तो ये इन्होंने सोशल डेमोक्रेसी भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। ये सारे हमारे जितने भी हमने आज डिस्कस किए वो सारे उनके व्यूज़ थे, और काफ़ी हद तक वो अपने व्यूज़ को इम्प्लीमेंट भी उन्होंने किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, जो अदर टॉपिक की आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पॉलिटिकल आइडियाज़, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियाज मींस कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स शुड बी देयर, किस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, पॉलिटिकल में कौन सा पॉलिटिक, जो इंडिया की पॉलिटिक्स है उसके अंदर किस तरह का सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट वॉज पॉइंट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया फॉर्म ऑफ स्टेट, ठीक है, फॉर्म ऑफ स्टेट कैसा होना चाहिए, है ना। स्टेट एक फिजिकल एंटिटी, देखिए वेन एवर वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सिनेरियो तो हमें दो चीज़ें हमेशा अलग अलग रखनी है, व्हाट टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट क्या होता है और गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। स्टेट जो होता है दैट इज़ अ फिजिकल एंटिटी, ठीक है, कोई भी स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनको स्टेट नहीं बोलते हैं, इवन हम इंडिया को भी स्टेट बोलते हैं, फिजिकल एंटिटी, ठीक है, फिजिकल एंटिटी जो होती है उसको स्टेट बोला जाता है, और गवर्नमेंट जो होती है वो इंस्ट्रूमेंट होती है इस स्टेट को चलाने के लिए, ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये चेंजेबल होती है, और स्टेट जो होता है वो स्टैटिक होता है, ठीक है,
ये दोनों में चेंज हमेशा होता है। हम गवर्नमेंट और स्टेट की बात करते हैं, तो थोड़ा सा ये हमको क्लियरिफाई कर दिया कि गवर्नमेंट हर 5 साल में बदल सकती है, लेकिन स्टेट वही रहता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम फॉर्म ऑफ स्टेट। स्टेट उन्होंने बोला शुड नॉट यूज द एब्सोल्यूट पावर्स। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर्स उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए सोशल लाइफ में, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम शुड बी देयर। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो प्रायोरिटी है ना स्टेट की काम करने की, वो दैट शुड बी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अपने सिटीजन्स को, इसके बियॉन्ड जाके बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो फॉर्म ऑफ स्टेट है दैट शुड बी लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड होना चाहिए स्टेट जो है, उसका काम केवल स्टेट को सिक्योरिटी देना जो है, उसका प्रायोरिटी होनी चाहिए। और भी काम कर सकते हैं, बट प्रायोरिटी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना टू इट सिटीजन्स। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ स्टेट में हम बात करते, तो लिमिटेड स्टेट की उन्होंने बात करी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। देन नेक्स्ट वन इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो इंडिया के लिए बेस्ट सुटेबल बताई, और उसी को हमने इम्प्लीमेंट भी किया है। बिकॉज वी आर एक्चुअली वी वी ऑल वर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम, जो कि ब्रिटिश सिस्टम था, ब्रिटिश पार्लियामेंट वाला सिस्टम था, जिसमें कि जो है हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ही यूज़ कर रहे थे, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो वो ही फॉर्म हमारे लिए बेस्ट है और उसी को इम्प्लीमेंट करना है। पार्लियामेंट्री फॉर्म का उन्होंने सपोर्ट किया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म का सपोर्ट उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, थर्ड उन्होंने ये बात बोला, चेक्स एंड बैलेंसेस का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब ये होता क्या है, देखिए, सबसे पहले थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं, अब इस चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट द यू नो फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, लॉ बनाना, लॉ मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, और यहाँ पे उसको चेक करना। ठीक है, तो ये इन्होंने यू नो बी आर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये चेक्स एंड बैलेंसेस का बोला कि ये दो थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, दे कैन मेक द चेक्स एंड बैलेंसेस टू ईच अदर। दे कैन मेक चेक्स, मतलब लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशरी को चेक कर सकती है, जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर को के लॉज को चेक कर सकती है, एग्जीक्यूटिव के लॉज को जो पॉलिसीज है उनको लेजिस्लेचर चेक कर सकती है, उस पर कंट्रोल कर सकती है, और जुडिशरी यहाँ जो एग्जीक्यूटिव में जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई उनको चेक कर सकती है। तो मतलब चेक्स और बैलेंसेस के प्रिंसिपल पे काम करना है। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया। देन अगेन है ओपिनियन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज शुड नॉट बी इग्नोर्ड। माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट हैं, है ना, वो कभी भी इग्नोर्ड नहीं होने चाहिए। हमेशा कोई भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में जो है, माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जानी चाहिए, कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। तो माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट हैं वो इग्नोर नहीं करने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ठीक है, उनको एक प्रॉपर उनको रिजर्वेशन वगैरह देना या उनके लिए प्रॉपर प्रोविज़न करना, दैट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव शुड बी इंश्योर्ड। एग्जीक्यूटिव मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर यू नो 5 ईयर्स उसका टेनवर होता है गवर्नमेंट का, और उससे पहले ही वो जो है नहीं रहे, या फिर किसी तरह की स्टेबिलिटी ना हो। तो स्टेबल गवर्नमेंट, ओनली स्टेबल गवर्नमेंट कैन डू द गुड वर्क्स फॉर द कंट्री। तो स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं इंश्योर करनी चाहिए कि उनको प्योर मेजोरिटी मिल जाए एग्जीक्यूटिव को, और वो स्टेबल फॉर्म में रहें। ठीक है, इसके बाद है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव शुड नॉट वायलेट्स देयर लिमिट्स। कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, वो और एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने लिमिट्स को वायलेट ना करें किसी तरह से। जो उनकी लिमिट्स है उन्हीं लिमिट्स के अंदर रहकर ही वो काम करें। ठीक है,
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करें तो उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बेस्ट माना, कि जो मैंने आके आपके पहले आपको फॉर्म बताई, तो डेमोक्रेसी शुड बी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम में चीज़ बोली वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। उन्होंने बोला कि जब तक सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं आएगी, सोसाइटी में डेमोक्रेसी क्रिएट नहीं होगी, सोशल डेमोक्रेसी क्रिएट नहीं होगी, तब तक जो एक्चुअल डेमोक्रेसी है उसको हम गेट नहीं कर सकते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी कि हार्मनी बिटवीन सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सोशल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारी फैमिली है, जैसे हमारे कुछ सोशल ग्रुप्स हैं, और पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं, ये सब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इनके बीच में हार्मनी क्रिएट करनी है। अ गवर्नमेंट शुड ऑलवेज यू नो गिव द वैल्यूज टू द सोशल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटीज मेंबर्स, ठीक है। उनके उनके जो मेंबर्स हैं, उनकी सोशल जो वैल्यूज हैं, उनके मॉरल वैल्यूज हैं, उनके कुछ वर्च्यूज हैं, उनको जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, उनको वैल्यू देनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं वेटेज देना चाहिए और उनका रिगार्ड करना चाहिए। तो ये हार्मनी हो जाएगी क्रिएट। तो जब सोशल डेमोक्रेसी क्रिएट होगी तभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी गेट की जा सकेगी, ठीक है। आगे उन्होंने सपोर्ट किया, जो नेक्स्ट उनका पॉलिटिकल आइडियाज में नेक्स्ट पॉइंट था, दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, देखिए हमने पार्टी सिस्टम भी हमने डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि क्या होता है जब किसी कंट्री में तीन तरह का पार्टी सिस्टम होता है। एक होता है यूनी पार्टी सिस्टम, बाय पार्टी, ओके, एंड मल्टी पार्टी, ठीक है। यहाँ पे पूरे कंट्री में एक ही पार्टी जो होती है, पॉलिटिकल पार्टी वर्क करती है, जैसा कि एग्जांपल चाइना का है, यानी कि जहाँ पर एक एक ही पार्टी हो पूरी कंट्री में। बाय पार्टी मीन्स कि टू बिग पार्टीज आर यू नो वर्किंग इन द दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो वहाँ पे बाय पार्टी हो सकती है। और मल्टी पार्टीज, सो मेनी पार्टीज आर यू नो कैन बी मेक द गवर्नमेंट एंड इन द फॉर्म, तो उनको मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है मल्टी पार्टी सिस्टम को सपोर्ट किया, और मल्टी पार्टी सिस्टम ही इंडिया में होना चाहिए, बिकॉज इंडिया जो है बहुत मोस्ट डाइवर्स कंट्री है। तो यहाँ पर अगर हम बाय पार्टी या यूनी पार्टी तो हम ले ही नहीं सकते थे, सिस्टम ले लिया तो हमारे बहुत सारे व्यूज जो हैं उनको हम मतलब वो नहीं एक्सप्रेस हो पाएंगे। तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो था वो बेस्ट उन्होंने माना, और ऐसा ही है हमारे यहाँ पे, तो मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉलिटिकल सिनेरियो में इन्होंने क्या बोला कि स्ट्रांग अपोजिशन शुड बी देयर, ठीक है। अपोजिशन अपोजिशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। एक स्ट्रांग अपोजिशन होना, जो कि गवर्नमेंट की जो अनफेयर जो पॉलिसीज है उनका क्रिटिसिज्म कर सके, तो उसके लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा कि बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी क्रिएट होता है कि जो गवर्नमेंट है वो मोनोपोली अपनी उसकी हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो डिक्टेटरशिप के भी यूज़ करने लग जाती है, डिक्टेटरशिप वाला एटीट्यूड यूज़ करने लग जाती है। तो अपोजिशन होगा तो उनकी किसी भी गलत पॉलिसीज के लिए क्रिटिसिज्म होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपोजिशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन एनी डेमोक्रेसी, ठीक है। इन्होंने उसके लिए बोला कि अपोजिशन होना चाहिए। देन है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने ये बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं, देखिए दो चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स एंड अदर इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके, तो पॉलिटिक्स क्या होती है, जो कि लीडर्स होते हैं, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है जहां पे सिविल सर्वेंट्स होते हैं,
ठीक है, तो ये तो पॉलिटिक्स जो है जो हर 5 ईयर्स में चेंज हो जाती है, तो ये लीडर्स होते हैं जो कि पॉलिटिकल बेस पे आए होते हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट्स जो कि इन इनकी बनाई हुई जो पॉलिसीज़ है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, उनके लिए एक्चुअल वर्क करते हैं एंड दे आर एक्सपर्ट्स। तो इन्होंने ये बोला कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम से, ठीक है, न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि उसको जो भी पॉलिसीज़ यानी पॉलिटिकल लीडर्स बनाते हैं 5 ईयर्स में, उनका जो टेन्योर होता है उसमें इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन न्यूट्रलिटी रहकर, कि अगर वो उससे इन्फ्लुएंस होंगे तो एवरी 5 ईयर्स गवर्नमेंट हैज़ चेंज, तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए प्रॉब्लम आएगी, तो न्यूट्रलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी देयर, ठीक है। देन नेक्स्ट इन्होंने जो पॉलिटिकल अपने व्यूज दिए उसमें बोला अधेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमेशा उनकी अधेरेंस होनी है, उनकी उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे इंडिया इंडियन सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, तो कहीं ना कहीं उसका अधेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एथिक्स वैल्यूज़ का, मॉरल वैल्यूज़ है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, इन सभी का जो है अधेरेंस होना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कहीं ना कहीं पब्लिक जो ओपिनियन है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, लोगों की जो व्यूज़ होते हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके लिए अवेयर रहना चाहिए गवर्नमेंट को हमेशा, क्योंकि जितना ज़्यादा वो पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग काम करेगी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट सक्सेसफुल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिटिकल वे में इन्होंने कुछ बातें बोली, जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म को सपोर्ट किया इन्होंने, ठीक है, और मल्टी पार्टी सिस्टम, अपोजिशन को भी इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बताया है ना। इसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ हैं वो भी उनकी भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए जब हम पॉलिसी गवर्नमेंट फॉर्म करती है तब, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिटिकल वे में इनके आइडियाज़ थे, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का कैसा हो सकता है। तो आज हमने डॉक्टर अम्बेडकर के सोशल और पॉलिटिकल थॉट्स को डिस्कस किया, ठीक है, और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। सेंट विल्फ्रिड कॉलेज ऑफ लॉ, सेक्टर 10, मीरा मार्ग, मध्यम मार्ग, जयपुर, राजस्थान।